आप ही छोड़ते हैं, आप ही भगवान। वो कहा कहा था कुछ ना, जा भाई तू हमारा बार कटा हो दिया, परेशान जिन करा तू सब आप ही ने तो बुलाया सर्वोच्च छुट्टी का, जिससे सुरक्षा मिलेगी जनता तो उसे की चलेगी। कुत्ता के गले में अगर बांध दिया जाए टिकट, अच्छा, और निशान भाजपा का लगा दो, जीत जाएगा कुत्ता। क्यों क्यों ये जनता आए जिम्मेदार सरकारों आए, और पहले सरकार ना मोदी जी थोड़ी आगे बांधेंगे आपकी गलिया को, लिख के लाओ दे दे भाजपा के लाओ, कोई सरकार गांधी परिवार का गढ़ रहा है छोड़ देंगे क्या गांधी परिवार, उससे मतलब नहीं अब उनसे गांधी इंदिरा गांधी सोनिया गांधी कोई नहीं, कोई देखा जाता है। छुट्टा जानवर की समस्या आपके गांव में क्या है इसका पूरा? हमारे गांव में ही ना को कहाँ गए सब सरोवर सब चला गया गौशाला के टक्कर में, भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है लगता है जितना सब। जय हिंद दर्शकों, मैं हूं भोलू जहांगीर, आप देख रहे हैं अवध टुडे न्यूज चैनल। इस समय हम मौजूद हैं अमेठी जनपद के भादर ब्लॉक में सतीपुर चौराहे पर। मेरे पीछे आप तस्वीर देखेंगे, कुछ लोग इकट्ठा हैं और ये चौराहे की तस्वीर है। हम बात करने वाले हैं कि अमेठी में लोकसभा का क्या माहौल है, अब की बार दीदी जी ने विकास किया है या नहीं किया है इस पर भी बात करेंगे, बदलाव होगा या वही चेहरा होगा इस पर भी बात करेंगे। अमेठी की जनता हमारे साथ मौजूद है और मैं आपको बता दूं कि अमेठी अपने आप में एक हॉट सीट मानी जाती है, एक चर्चित सीट है अमेठी, क्योंकि यहां पर गांधी परिवार का गढ़ रहा है, इस पर भी बात करेंगे। अगर गांधी परिवार का गढ़ रहा है तो अभी तक 10 साल से भाजपा की सरकार यहां कैसे है, क्या दीदी जी ने विकास किया था, यहाँ की जनता स्मृति ईरानी जो अपने आप को दीदी बताती है उनसे खुश हैं या नहीं खुश हैं, इस पर भी बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि अमेठी में क्या माहौल है, कि अब की बार लोकसभा में बदलाव होगा या वही चेहरा होगा। आपका क्या नाम है? अमर सिंह। अमर सिंह, अमर भैया अमेठी में लोकसभा में क्या माहौल चल रहा है? माहौल में दीदी नंबर एक पे है, दीदी नंबर एक पे, नंबर एक पे है, और दूसरे पे पिछड़ कौन गया? पिछड़ गया कोई है ही नहीं लड़ाई में। क्यों नहीं है तो ना? नहीं कोई नहीं है भाई, गांधी परिवार का घर है ना, गांधी परिवार घर थोड़ी है। अब जो मकान बना के दीदी रह रही है, दीदी का घर है यहाँ, आज तक उनका आवास यहाँ तक नहीं राहुल गांधी, वो तो खाली मुंडियों से घूम रहे हैं। कोई मतलब अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी जी आते हैं कभी दौरे वगैरह में? नहीं कभी नहीं, अभी तो बात छोड़िए 10 साल से नहीं आए, पर जब वो सांसद यहाँ थे तब भी नहीं आते थे। अच्छा। और दीदी 2014 से लगातार आ रही है यहाँ पर। हाँ अच्छा, जनसंपर्क अभियान चलाती है दीदी? दीदी घर घर जाती है, घर घर जाती है। चलिए ठीक है, आपका क्या नाम है? विश्राम। विश्राम बड़ा नोचा नोचा टांगे है। अच्छा क्या नाम था? विश्राम कोरी। विश्राम क्या हाल है अमेठी में? अमेठी हाल ठीक है। किसका? वो राजनीति उनका है, स्मृति उनका। किसका? स्मृति जानी क्या? अच्छा स्मृति दीदी जी का। हाँ, दीदी जी का। तो राहुल गांधी नहीं आएंगे? वह तो भाई नहीं आए भी, कहे पता नहीं क्यों नहीं आए, वो तो कहते हैं अमेठी की जनता हमारी जान है, वो आए नहीं भी। हाँ हाँ कब आएंगे कब नहीं आएंगे, तब से वापस आए अमेठी की जनता जान। विकास हुआ कि नहीं हुआ? दीदी ने बहुत विकास किया है। क्या क्या हुआ आप बताएं? सारा विकास हुआ। क्या क्या हुआ? स्कूल दे यहाँ का आता है, वो कृपा जो रट है वो कंपनी दे यहाँ, कौन सी कंपनी? सवाल बहुत चल रहा है आजकल, 15 रुपए किलो चीनी वाला। हाँ गन हाउस, अरे 15 रुपए किलो चीनी के बेच पाए नहीं, जो बोली थी कहाँ बोली थी, वो गलत बोली थी, गलत बोली थी। चलिए भैया खड़े हैं, आपका क्या नाम है? अनिल सिंह। अनिल सिंह, अनिल भैया यही के रहने वाले हैं। जी जी जी। तो अमेठी में जरा जनता को बताइएगा अमेठी में माहौल क्या है? माहौल बस वही है, 400 पार है जो है, मोदी जी का माहौल चल रहा है, योगी जी का चल रहा है। अच्छा। पहले लोग कहते थे रामलला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे, तारीख तारीख नहीं बताएंगे। अच्छा। विपक्ष का मिथ्या दूर हो गया, तारीख भी बन गई, मंदिर भी बन गया। उसके बाद अब जो है सीधे मथुरा की बारी है, विपक्ष पहले कहता था कि सरकार बनेगी, अब विपक्ष कह रहा है इनको 400 पार नहीं होने देंगे। उनका मतलब है ये विपक्ष ये सोच रहा है कि बहुमत में तो है ही है, लेकिन जो कांग्रेस का 415 था उसको बीजेपी तोड़ के 425 के ऊपर चलेगी। अच्छा। इसका है सर्व सुख सुधाए, सर्व समाज का हित, और भारतीय जनता पार्टी सबका विकास देख रही है, चाहे 400 पार हम किस आधार पर देखे? बिल्कुल आम जनता जो अमेठी हमारे खुदे दीदी जो है आज तक रिकॉर्ड तोड़े इतिहासिक। अच्छा। दौरा कर रही है, चाहे भादर हो, चाहे अमेठी हो, संग्रामपुर हो, बेटुआ हो, जगदीशपुर हो, मुसाफिर खाना हो, तिलोई हो, सलोन हो, कोई ऐसा। अच्छा, अगर अमेठी में बात करते हैं कि अमेठी में मुख्य मुख्य विकास क्या हुआ है जिससे जनता को फायदा हुआ?
अमेठी आप बाईपास देख लीजिए। अच्छा। नंबर एक आप बाईपास देखिए, नंबर दो ओवर ब्रिज देखिए, नंबर तीन सैनिक विद्यालय देखिए, नंबर चार मेडिकल कॉलेज देखिए, नंबर पांच कोकर कोला आपके त्रिशुंडी प्लांट में है। अच्छा। कहां विकास दे रहा है, जामो से लेके सीधे त्रिशुंडी तक के लिए जो है फर्स्ट क्लास वीआईपी रोड बन रही है। तो जब दीदी आए भी जनसाधारण एक्सप्रेस जो है, राहुल भैया आए थे तो कह रहे रोड पूरा खराब। अरे राहुल जी अपना उनके चश्मा अभी एक बार भी आए हुए नहीं है। हमारा कहने का असद है कि अंतोदय सभी का विकास हो रहा है, चाहे हमारे हरिजन भाई हो चाहे सिख भाई हो, चाहे सबका विकास है और पैसा सीधे खाते में जा रहा है, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे उज्ज्वला योजना देख लीजिए, लखपति बहनों को देखिए, सबको देखिए। आज हम लोग जो है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के आज जयंती, आज उनके जयंती हम लोग मना रहे हैं। हमारा हिंदुत्व तो का नारा है, सभी भाई हमारे हैं, एक बराबर है। जब से दीदी जी को टिकट मिला है जनसंपर्क चल रहा है या नहीं चल रहा है? उससे पहले चल रहा है, जनसंपर्क की बात नहीं, उसके पहले भी चल रहा है। और भैया कोई हाईवे नहीं इनके टक्कर में, भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। क्या लगता है जितना सब बता रहे गांधी परिवार का गढ़ रहा है, छोड़ देंगे क्या गांधी परिवार? उससे मतलब नहीं, अब उनके गांधी इंदिरा गांधी सोनिया गांधी कोई नहीं, कोई विकास है नहीं था अमेठी का पहले। उसके पहले जो आपकी रोड बनी थी उसको देखिए, ढाई ढाई मीटर गड्ढा उसमें था, जो बाईपास था बह गया दीदी। आज की स्थिति आप देखिए, एकदम देखिए एकदम पूरा चारों तरफ जो है जल लगा हुआ है। चलिए भैया ने किसान की बात की थी, आपसे हम बात करेंगे, आप आगे आ जाइए। गांव में ग्रामीण क्षेत्रों में अमूमन देखा जाता है छुट्टा जानवर की समस्या, आपके गांव में क्या है इसका पूरा? हमारे गांव में ही ना है को कहाँ गए सब सरोवर सब चला गया गौशाला चला गया। क्या हुआ, क्या करे है ये, क्या करे कम से कम 50-60 ईटिया बैठा चला आपको दिखाई, ये तो कह रहे गया सब। अरे तो गाय ये तो कहा करिए, कहा बताइए आप इनको बताइए, बताओ रखा पाए गौशाला वहाँ। अरे दीदी जी ने विकास नहीं किया है, हम कहते विकास तो जौन किया तो उन किया, लेकिन किसान परेशान है जानवर से, जनता आए एक जिम्मेदार सरकारों आए, और पहले सरकार ना रही। मोदी जी थोड़ी आगे बांधेंगे आपकी गैया को, नहीं तो मोदी जी ना बनिए कर्मचारी है ना, कहा पहले सरकार ना रही, प्रधानमंत्री ना रहे, मुख्यमंत्री ना रहे, पहले उनके शासन काल में तो जानवर नहीं रहे इतना, ये मैं कैसे आइए? तो ये बताइए इतने नाराज हैं आपकी, बदल देंगे कि वही होगा? हम कहते एक जगह बदले से ना हुए, पूरी जनता बदले तो पहले तो अमेठी में कैंडिडेट आऊं। चलिए ठीक है, और भी लोग हैं बात करने का प्रयास करते हैं। अमेठी की सीट है, अमेठी में हॉट सीट मानी जाती है, कि अमेठी में क्या माहौल है इस पर भी बात करेंगे। और ये चौराहा था और इस चौराहे पर हमने चर्चा की है कि अमेठी में माहौल क्या है, इस पर भी चर्चा होगी। क्या नाम है चाचा आपका? नंद सिंह। अच्छा, यही के रहने वाले हैं? हाँ। अच्छा, अमेठी में क्या माहौल है, विकास उकास हुआ अमेठी में? विकास हुआ है और पार्टी जीतेगी हुई भाजपा की पार्टी। अच्छा, हम कह रहे हैं इसको लिख के लाओ दे दे, भाजपा के अलावा कोई सरकार नहीं। कह रहे हैं छुट्टा जानवर से हम परेशान है, राहुल हमारी तुम्हारे है, हाँ मोदी के योगी के है, सही है। एक जानवर हमने छोड़ा, चार जानवर पड़ोसी छोड़ा। चलो ये बताइए थोड़ा सा, आपके अमेठी में जो गांव की सड़कें वड़के हैं मजबूत है कि नहीं है? सब मजबूत, सब हाँ हाँ विकास हो रहा है। दीदी जी आती है आपके यहाँ? कभी कभी आती है कि नहीं आती? आती है। अच्छा, हालचाल लेने आती है? हालचाल लेने आती है। क्या लगता है आपको इस हालचाल से कितना प्रभाव पड़ेगा? वैसे जीत रहा है दीदी, चाहे आओ चाहे ना आओ, भाजपा सरकार को मोहब्बत दीदी से। हाँ दीदी तो जब नहीं थी तब भी बात पर जीती, आज जीती है तब भी जीतेगी। अच्छा, माता के नाम पर तो कुत्ता जीतेगा। क्या? कुत्ता के गले में अगर बांध दिया जाए टिकट, अच्छा, और निशान भाजपा का लगा दो, जीत जाएगा कुत्ता। क्यों क्यों? ये हवा हवा है, जवाना लहर लहर विकास सामने तो जरूर उठाएंगे बात कहेंगे। आती नहीं क्या? कहाँ आती हैं, कभी कभी आ गई, कहीं अमेठी में आई तो कहीं गौरीगंज में आई, क्षेत्र में आती नहीं है। क्षेत्र में आती नहीं है तो क्या लगता है प्रभाव पड़ेगा कि क्या पड़ेगा भाई? जब आ ही नहीं रहे हैं तो जनता नहीं आओगे तो क्या प्रभाव? चलिए ठीक है, और भी लोग बात करने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि अमेठी में क्या माहौल है। मेरे पीछे आप तस्वीर देखेंगे, अमूमन गाँव की ये तस्वीरें देखने को मिलती है। आप बड़े ही शहर में जाके अच्छे से सैलून में बाल कटवाते होंगे, लेकिन ये तस्वीरें बहुत विचलित करती है आपको, क्योंकि ये दिन आप मत भूलिएगा,
जो गांव की झोपड़पट्टी होती है, अब ये सब अपने देश से आयु कहे कि अपने जिले से कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही है। बाल बाल कटवा रहे हैं चाचा, बाल बाल कट रहा है, कटवा का कट रहा है। हाँ, काट कहाँ यही रहने वाले हैं? अरे भगवान, यहाँ के लोग बहुत दूर के। कहाँ के हैं यार? अरे भार भादर के आगे हम बेलसौना के हैं। अमेठी के ही तो हैं? अमेठी में हमारे सुल्तानपुर पीछे देखेंगे। चलिए प्रधान जी है, बात करते हैं उनसे भी कि सुल्तानपुर क्या कर दे। सारे जो नए हैं छुट्टा छूट है, इनका कहो इंतजाम करा। तो माता जी से बताया नहीं? माता जी कहा करिए, कितने थमे हुए वो कहो थमे माता जी, तो कह रहे हैं आप ही छोड़ते हैं, आप ही भगवान। वो कहो कहा था कुछ ना, जा भाई तू हमारे बार कटा दिया, परेशान जिन करा तो सब आप ही ने तो बुलाया सड़ो से छुट्टी बुलाए कहा। चलिए ठीक है, यह अमेठी है, तरह तरह के लोग मिलते हैं और बात करने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ इस गांव के प्रधान जी भी मौजूद हैं, इस पर भी बात करेंगे। सर क्या नाम हो गया? उमेश मिश्रा नाम है जी। मिश्रा जी, यहाँ अमेठी में क्या माहौल? अमेठी में भाजपा की लहर है और क्या है जी। अच्छा, जो विकास करेगा उसी की लहर रहेगी। कहा गया है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मेरा मेरा मंदिर बन गया, बस बन गया तो रहना है उन्हीं को, दूसरे को नहीं रहना। चलिए हम थोड़ा सा विकास के मुद्दे पर आते हैं। प्रधान जी, आप तो गांव के प्रधान हैं, बड़ी जिम्मेदारियां होती है, आपके पिता समान होते हैं, आप पूरे गांव के बड़ी जिम्मेदारी होती है। गाँव में जितने विकास हुए हैं, क्या आपके विकास से आपकी जनता खुश? हाँ खुश है। क्या क्या आपने विकास? एक बात बताइए, एक परिवार में पांच लोग रहते हैं, क्या एक घर का गार्जियन पांचों लोग को संतुष्ट कर पाता है? सबकी तो अलग अलग, तो कहाँ से कर पाएंगे सबको संतुष्ट? एक ही साथ तो सबको संतुष्ट कर नहीं सकते हैं। लेकिन ये तय है कि सरकार से लोग संतुष्ट हैं। संतुष्ट हैं जी, जी जी। अच्छा, थोड़ा सा आप विकास गिना दीजिए अपने गांव। हमारे गांव में नाली है, हमारे गांव में खड़ंजा है, हमारे गांव में इंटरलॉकिंग है, विद्यालय है, आंगनबाड़ी है, मॉडल साफ है, क्या नहीं है सब आपने करवा के रखा। जी जी जी। तो थोड़ा सा अब ये बताइए अमेठी की जनता को कि अमेठी में लगातार 10 साल से दीदी जी की हैं, आपकी तीसरी बार भी हैं, तो क्या लगता है अगर कोई विपक्ष में आता है कुछ टक्कर होगी या फिर बदलाव? नहीं, हमारे यहाँ विपक्ष है ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में विपक्ष नहीं है, आप भी देख रहे हैं, कोई कहने की बात नहीं है, ये विपक्ष है नहीं। कोई तो उतरेगा मैदान में, चाहे जो उतर जाए, लेकिन नहीं कोई टक्कर नहीं, विपक्ष है ही नहीं, विपक्ष ना। और भारत जोड़ो यात्रा चला कर अमेठी आए, ठीक है, लोग अपना अपना कर्म कर रहे हैं, फल तो देने वाली जनता है ना, जनता है, जिसको चुनेगी उसकी सरकार बनेगी, जिसको लाभ मिलेगा, जिसको विकास मिलेगा, जिससे सुरक्षा मिलेगी, जनता तो उसे की चुनेगी ना। चलिए, जनता तो उसको ही चुनेगी। ये अमेठी का था, अमेठी का सतनपुर चौराहा था, सती नगर चौराहा था, और यहाँ पर अमेठी की जनता क्या कहिए, आपने खुद अपने मुंह से सुन लिया। आपकी बार लोकसभा 2024 में क्या होने वाला है? कैमरामैन सरफराज के साथ भोलू जहांगीर, अवर टुडे अमेठी।